बॉलीवुड में अपने चुलबुले अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली खूबसूरत जूही चावला ने अपनी फिल्मों से कई दर्शकों का दिल जीता है और अब एक बार फिर से जूही सबके दिलों में जगह बनाने आ रही हैं। लेकिन इस बार जूही बॉलीवुड नहीं साउथ की फिल्मों में एंट्री कर रही हैं। आपको बता दें कि जूही ने साउथ फिल्मों में 18 सालों से काम नहीं किया है, लेकिन जूही के फैंस के लिए अच्छी खबर है। वे कन्नड़ फिल्म में आ रही हैं, वो भी कुछ अलग अंदाज में, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कन्नड़ फिल्म है जिसे एस रविंद्रनाथ ने डायरेक्ट किया है। वही फिल्म स्टार रमेश अरविंद की ये 100वीं कन्नड़ फिल्म है। खास बात ये है कि इसमें एक्ट्रेस जूही चावला को आप देख सकेंगे, वो भी डिफरेंट लुक में। इसमें जूही का कैमियो रोल है। इसको लेकर जूही चावला ने ट्विटर पर लिखा है कि कन्नड़ फिल्म में बहुत सालों बाद एंट्री कर रही हूँ। उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वे गिटार बजा रही हैं और चश्मा लगाया हुआ है। आपको बता दें कि पुष्पका विमाना फिल्म का टाइटल 1987 में आई साइलेंट फिल्म पुष्पका विमाना से लिया गया है। इसमें कमल हासन और अमाला लीड रोल में थे।